नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुनावी शंखनाद के साथ ही आरोपों की बौछार हो रही है। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया है। रायपुर दौरे पर आए पीएम मोदी ने जहां प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं भ्रष्टाचार से कार्रवाई की गारंटी भी दे दी। हालांकि भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, और सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में चुनाव में भ्रष्टाचार क्या सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में क्या बीजेपी सफल होगी? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने जहां चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं राज्य सरकार पर बड़े आरोप लगाए। दरअसल रायपुर में विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए केंद्र की योजनाओं की तारीफ की और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कह दिया कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। एक तरफ पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 7600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं चुनावी साल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी मोदी ही है। एक के बाद एक आरोप पीएम ने शराब घोटाले से लेकर धान खरीदी तक की बात की और कह दिया कि धान खरीदी में भी खेल किया गया है। यहाँ की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर MSP बढ़ाई है बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। हालांकि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम झूठ बोलकर गए हैं। इतना ही नहीं, धान खरीदी पर जवाब देते हुए बघेल ने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए हैं कि सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात ये है जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए हैं। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है, अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में FCI के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान की खरीदी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने साफ किया है कि अब प्रदेश के किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। हालांकि आने वाले चुनावों में बीजेपी भ्रष्टाचार को ही बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पीएम मोदी के दौरे से तो यही साफ होता है। अब देखना होगा क्या बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगी और सत्ता वापसी के दावे पर जनता का भरोसा जीत पाएगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। KK शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवलाल ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, कर्नाटक में आपने वहां की सरकार, बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, कमीशन का ठप्पा लगा दिया, वही कोशिश यहां छत्तीसगढ़ सरकार पर हो रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? लोगों ने देखे, कहने के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जो पावन धरा है, माता पशुले की जो पवित्र भूमि है, प्रभु श्रीराम का जो ननिहाल है, वहां आप क्लियर से झूठ बोलकर आज जो जनहितैषी सरकार है
जिसे 4.5 सालों में किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, महिला, युवा, हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया है, ऐसी जनहित ऐसी सरकार पे जो है आरोप लगाने का झूठा मनगढ़ंत प्रयास किया। लेकिन वो कितना भी प्रयास कर ले, सत्र की जनता बहुत समझदार है लोकेंद्र जी, वो बहुत जानती है कि कौन 15 साल की वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और कौन 4.5 साल में 95% वादों को पूरा करने सका। और ये चरित्र सिर्फ माननीय मोदी जी का नहीं है, अमित शाह जी भी है, देखिए बहुत अच्छा स्पष्ट है। आज ये लगातार दावा कर रहे हैं कि जो है केंद्र सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के धान खरीद रही है। आज कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानती है कि मार्केट के माध्यम से, राज्य सरकार की गारंटी के माध्यम से ऋण लेकर वो धान खरीदी करती है और उसके बाद वो भुगतान किया जाता है। और ये चरित्र न केवल अमित शाह जी का है, मोदी जी का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं पूरे देश में माननीय मोदी जी का जवाब लगातार गिर रहा है। लगातार 101 बार लोकेंद्र जी वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और देश की आम जनता के हित की बात, देश की आम जनता के मन की बात वो कहना नहीं चाहते। ना वो महंगाई पर चर्चा करते हैं, ना वो बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, ना आर्थिक असमानता पर चर्चा करते हैं। अडानी की शेल कंपनी में 20 करोड़ किसका है ना, उस पर चर्चा करते हैं। आज मणिपुर में हिंसा होती है, 200 लोग मारे जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण है उनका जो नारा है लोकेंद्र जी, बदलबो बदलबो, तो हमारा कांग्रेस इस बार इस नारे को अपनाने वाला है। बदलबो बदलबो, इस बार केंद्र सरकार की वादा खिलाफी करने वाली मोदी सरकार है, बदलबो। और ये चरित्र है, आज देख लीजिए इन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया, आज 3285 दिन हो गए हैं क्या महंगाई कम हुई। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, रहर दाल, टमाटर सब कुछ आसमां छू रहे। आज 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार का वादा किया, आज 23 करोड़ बेरोजगार हो जाते हैं, 45 साल में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है। आज लगातार इनकी जो वादा खिलाफी है, अच्छे दिन का वादा किया, अच्छे दिन ऐसे इनके पूंजीपति मित्रों के, 2022 तक किसानों का दुगनी करने की बात की और समर्थन वृद्धि की बात 2%। आज स्वामीनाथन आय की रिपोर्ट लागू करने की बात करते रहे। आज 55 लाख करोड़ जो ऋण था 2014 में वो 3 गुना बढ़ के 155 लाख करोड़ जाते हैं। 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल देते हैं। ये सारे मुद्दे जो देश की आम जनता से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं, उस पर कोई करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आज यही देखिए गलती, आज कहीं ना कहीं इनके मुख्य प्रश्न वो ये कह रहे हैं कि घोटाले जो हो रहे हैं, शराब घोटाले का जिक्र उन्होंने किया, ईडी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं लगातार, क्या वो अब यहां पर टैग लगाने की कोशिश है, क्योंकि गिरफ्तारियां तो हो रही हैं और हजारों करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री के मुंह से कहकर गए। लोगों ने वो भी स्पष्ट कर देता हूँ, आज पूरा देश न केवल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां विपक्ष में है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की इमेज को खराब करने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए। दूसरा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है, आज ये शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, क्या एक भी जगह किसी शराब में कितनी दुकानों में छापा मारा गया, पहली बात, कितनी अवैध शराब की बोतलें जब्त की गई, दूसरी बात, कितने नकली मोनोग्राम जब्त किए गए, कोई बात, किसी भी राजनेता की गिरफ्तारी हुई क्या? आज माननीय जो लगातार इस प्रकार का आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो ऐसा झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास है। आज बहुत स्पष्ट कर दूं, आज ये 15 साल तक सरकार में रहे छत्तीसगढ़, स्पष्ट करना पड़ेगा। एक तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई की, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो फिर वो जो प्रदर्शन होते हैं ईडी सीबीआई के लिए वो क्यों होते हैं फिर? लोगों ने दो चीजें स्पष्ट कर दूं आपको, मुझे स्पष्ट कर दिया लोकप्रिय चैनल पे, क्या किसी भी कांग्रेस से जुड़े नेता की सीधी गिरफ्तारी हुई है क्या? जितनी भी कार्रवाई इनके द्वारा की गई है वो जो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरा वो दो चीजें और स्पष्ट कर दो, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज छत्तीसगढ़ को नाम घोटाला कोई नहीं है, तो फिर इसके लिए तो हल्ला होना ही नहीं चाहिए कि दुरुपयोग हो रहा है, फिर किस चीज का दुरुपयोग है? अगर कोई कार्रवाई आप लोकेंद्र जी, आपके 2-3 प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मैं जवाब देता हूँ, और कुछ प्रश्न आपके जोड़ लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और 1-2 प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। मैं जैसे ही बोलना शुरू करूँ फोकस करना चाहता हूँ, मैं इसी पर फोकस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। देखिए दो चीजें स्पष्ट है, आज अगर आपकी क्या किसी राजनेता पे कांग्रेस से चीरी कार्रवाई क्या, पहली बात, ये लगातार झूठ और भ्रम फैलाकर कांग्रेस की सरकार को, माननीय भूपेश बघेल जी के इमेज को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी आपत्ति उस बात पे। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं, आज न खाऊंगा न खाने दूंगा दावा करते रहे, आज 15 साल में 34 घोटाले हुए और 1 लाख करोड़ का 15 साल में घोटाला किया गया, ये पूरी लिस्ट जो है हमने ये सम्मिलित की, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? दूसरी बात, हमने 21 प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछे, आज क्या हमें नैतिक साथ उन बातों का जवाब देना? देखिए चार चीजें स्पष्ट कर दूं, आज छत्तीसगढ़ का नान घोटाला होता है, आज धरमलाल कौशिक जाके पेड़ लगाते हैं जांच को बाधित करने, कोई कार्रवाई नहीं होती। इंडिया पैलेस्टीन बैंक घोटाला होता है, नार्को की सीडी में करोड़ों रुपए की रिश्वत की बात होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं करते। 6.5 करोड़ का चिटफंड घोटाला होता है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और इनके महापौर भान अमृता, लगातार घोटालों पे जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं करते, जवाब दीजिए इस पर, क्या छवि खराब करने की कोशिश है?
देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं कांग्रेस के लोग चूड़ी पहन लिए या कांग्रेस की सरकार चूड़ी पहन, ये भाषा का प्रयोग न करें, अच्छा लगेगा मैं बोलूँ रमन सिंह चूड़ी पहन के बैठे, मैंने कुछ मेरी भाषा सभ्य थी लोकेंद्र, मेरी भाषा सभ्य थी, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग न करें मेरे निवेदन में। आप पहले सुनिए भ्रष्टाचार, आप सही शब्द बोलिए मैं सुनूंगा आपकी बात, गलत बातों का प्रयोग न करें मेरे निवेदन में आपसे। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार होती है वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी होती है, वो हमेशा गरीब किसान मजदूर आदिवासी इनके हितों के पैसे को हमेशा अपने तिजोरी की तरह इस्तेमाल करके 10 जनपद तक पहुंचाती है। अब ये कर्नाटक की सरकार का चल रहा है, अरे आप चुपचाप सुनते रहिए पहले। इस छत्तीसगढ़ की सरकार में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब चुकी है। इनकी सरकार ने जब कोल सिंडिकेट बनाकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोटाला किया तो इनकी सरकार की ही मंत्री ने कहा कि इनके जो आईएएस के अधिकारी हैं वो कोल घोटाले में सिंडिकेट बनाकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी को अपने पास बैठा कर रखा रहा और कोल सिंडिकेट बनाकर घोटाला करते ही गए। इस पर भी सरकार का मुंह काला हुआ, कांग्रेस की सरकार का। उसके बाद इन्होंने राशन का घोटाला किया, जो गरीबों के घर राशन जाता है उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया और उस राशन के घोटाले से भी इनका पेट नहीं भरा। उसके बाद इन्होंने जो शराब का घोटाला किया, जो 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, उसमें इनके कांग्रेस के नेता और इनके अधिकारी जेल में है। और इनके यहाँ जो वो तो ये कह रहे हैं कि कौन नेता है, अरे मुख्यमंत्री खुद संलिप्त है, उसका लड़का भी संलिप्त है, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं आपके बोलने से थोड़ी होगा सर, देवलाल ठाकुर जी आपके बोलने से थोड़ी होगा इस तरीके से, अगर वो संलिप्त है तो फिर गिरफ्तार कर लीजिए उनको। आज अरे माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं सार्वजनिक मंच पे, झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको झूठ बोला तो क्या भ्रष्टाचार को रोकने न दिया जाए, तो फिर गिरफ्तार होना चाहिए ना। आप यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, फिर गिरफ्तार होने चाहिए व्यक्ति जो आपकी नजर में आरोपी है उसमें। अरे मेरे को अच्छी बता दी, लोकेंद्र का सार्वजनिक हुआ क्या, कोई मुकदमा दर्ज हुआ मुख्यमंत्री के खिलाफ? आप सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कोई मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ? इस मामले कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो चैनल पे बैठे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते लोग चैनल पे यही चलता है। आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया देवलाल ठाकुर जी, उनके खिलाफ कोई मामला है इस तरह एफआईआर करके चैनल पे जो झूठ बोलते हैं चैनल में बैठे आज यही चलते आपका, ये वही कांग्रेस ही नेता है जो व्यक्तिगत स्वार्थ की बात को निशाने लगाते हैं, यही चलते ऐसे नेताओं का। अरे भूल गए आप कांग्रेस के नेता के पार्टी छोड़ने से आपके जैसे लोग। चलिए मैं एक जवाब केके शर्मा जी से ले लेता हूँ। केके शर्मा जी, यही चलते क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर चल पाएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बीजेपी कोशिश करती है धार्मिक मामलों को चुनाव में जोड़ने की, लेकिन यहां पर तो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, यहां पर तो किसानों की बात हो रही है। देखिए भ्रष्टाचार की बात जहां तक शुरू हुई है 40% कमीशन की बात जो कर्नाटक में शुरू हुई वहां से शुरू हुई है। अब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा भाजपा यहां कांग्रेस के खिलाफ उपयोग करने चाहती है, जिस तरह से लगातार जो आरोप आज जो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कोई भी नया आरोप नहीं है, पहले से ही कोल का आरोप लगाया जा रहा है। धान खरीदी केंद्र सरकार कर रही, भाजपा के नेता पहले से कर रहे हैं, कांग्रेस उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जवाब दे चुकी है, मंत्री मोहम्मद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं। तो इस प्रकार से तमाम जो भ्रष्टाचार की बात कही, भ्रष्टाचार मेरा कहने का मतलब राजनीतिक मुद्दा होने से उसकी महत्व तो कई बार खत्म हो जाता है मुझे लगता है कि, क्योंकि एजेंसी जो जांच कर रही है वो अपने तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है, अदालत में उसको आरोपी जिसको बनाया जा रहा है उसको सजा कितनी मिलती है, क्या अदालत में जाता है, ये अलग आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है। इसमें राजनीति आने से ऐसा होता है कि एक दूसरे को बदनाम करने की कहीं बात हो रही है, ये एक बड़ा सवाल आता है। दूसरी चीज ये एजेंसी जो काम कर रही है उसके आधार पर चुनाव में लाभ हानि की बात है, क्योंकि उसमें प्रशासन के मतलब अनियमितता की बात आती है, और दूसरी चीज है उसमें जुड़े हुए मंत्री या मुख्यमंत्री या सत्ताधारी दल के लोगों के जुड़े होने की बात। तो अभी तक जो डायरेक्ट जो बात है अधिकारियों तक आ रही है, और उसमें आने वाले समय आज जो
पीएम साहब ने भी एक चीज कहा है कि उसमें मतलब मुखिया भी है, मंत्री भी है, अधिकारी भी है, तो भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसमें जनता को तय करना है कि वास्तविकता में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि राजनीति जब होती है तो निर्णय जनता करती है, इसमें अदालत और एजेंसी के अलग हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की जितनी बात कहे जाए, करप्शन करने वाले सभी दल एकजुट हो गए, यहां तक कि केवल कांग्रेस ही नहीं, सभी दलों को एकजुट करके बात कही गई। और ये भी कहा गया है कि मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसको लेकर के विपक्ष में जो बात आ रही केवल हमको आरोप लग रहा है, तो मुझे लगता है तो आप सत्ता बदलेगा तो आप विरोधी की जांच करने की बात आती है। जैसे आप 1,00,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का आरोप रमन सिंह का लगा, लेकिन कितने आप पुष्टि कर पा रहे हैं, यहाँ एक विषय होता है। दूसरी ओर जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें क्या तथ्य के रूप में अदालत में कितने सिक्योरिटी होती है, वहां क्या सुनवाई होती है, ये जनता के बीच आना है। और इसमें समय की बात, भ्रष्टाचार देश का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, कहीं भी जाए जनता इससे तुरंत, जनता को महसूस होता है जब वो पटवारी कार्यालय, जब वो कलेक्ट्रेट कार्यालय, जब वो जमीन रजिस्ट्री कराने जाता है, छोटी छोटी चीजों से जब जाता है तब उसको इसकी भ्रष्टाचार की अनुभूति होती है। अब जितनी बातें प्रधानमंत्री ने कही उसमें यह कि छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति केंद्र सरकार या भाजपा ज्यादा ही गंभीर है, राज्य निर्माण से लेकर अब तक ये बात कही जा रही। दूसरी ओर जो जितने मुद्दे कहे केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के है या जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की बात कही जा रही, तो राज्य सरकार को पूरा सहयोग भी कर रहे हैं, पैसे को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो रॉयल्टी का पैसा है वो पिछले जो कांग्रेस सरकार में दी जा रही थी उससे दुगना दी जा रही है। इस प्रकार से जो भाजपा को जो विषय दिए हैं, कार्यकर्ताओं को जो विषय मिला हुआ है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में, लेकिन कांग्रेस की जो मूलभूत योजना है, मूल मतलब न्याय योजनाएं हैं, और जो जिस तरह से उनकी तमाम योजनाएं हैं लेकर आदिवासी को लेकर, जब आप विपक्ष में थे तब आप रमन सिंह के सरकार के दौरान हुए घोटालों का जिक्र करते थे, नान घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, क्या 5 साल में रमन सिंह को जेल में डाल पाया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए लोकेश जी, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, आज हम नान घोटाला छत्तीसगढ़ का होता 106 पेज की डायरी मिलती है, चालान घोटाला तो 100 पेज गायब हो जाते हैं। इन्हीं के धर्मलाल कौशिक जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष है, जिनका दायित्व है कि कोई घोटाला कमीशन खोले, देखिए बोखला देख लीजिए, आप मुझे बता दीजिए धर्मलाल कौशिक आगे किसको बचाने के लिए बता दीजिए, ये इनका इनको शांत करेंगे जी, इनको शांत करेंगे दर्शकों को, आखिर किसको बचाने के लिए सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है, किसका पता है, आज पनामा पेपर का विशाख सिंह कौन है, विंध्यवासिनी बात किसका पता है, सरकार रमन सिंह के दामाद डीके घोटाला क्यों करते हैं, पूरा परिवार क्यों घोटालों में लगा हुआ था, बता दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता को 44 करोड़ का। चलिए देवलाल ठाकुर जी, इससे एक सवाल जुड़ता है कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं का जिक्र किया। मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मेरा निवेदन है लोकेश जी, मैं लौट रहा हूं 1 मिनट। अच्छा जी, मैं 30 सेकंड दीजिए, मेरा निवेदन, चलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी से सिर्फ 30 सेकंड। देखिए आज लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, 2004 से 2014 हमारी सरकार रही, कुल 214 मामले रद्द किए गए, इनके 9 सालों में 3,000 से ज्यादा प्रकरण, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 0.001% कनेक्शन रेट, मतलब सिर्फ साफ दिख रहा है कि विपक्ष की इमेज खराब करने के लिए आप कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दो, मध्य प्रदेश में मोदी की सभा हुई अभी 5 दिन पहले, तब ये उस पर आरोप लगाने का प्रयास करते रहे, अजीत पवार पे 70,000 करोड़ की बात की उन्होंने भ्रष्टाचार की, उसी अजीत पवार को ये महाराष्ट्र में भाजपा में शामिल करके वॉशिंग मशीन से धो के पास तब कर देते। देवलाल ठाकुर, देवलाल जी, ये 15 साल की आपकी सत्ता रही, छोटी मोटी नहीं थी, आज उनकी उपलब्धियों का जिक्र कम है, केंद्र की उपलब्धियों का जिक्र ज्यादा है, ऐसा क्यों सर? देखिए 15 साल की जो शासन है और जो ये 9 साल के शासन है, तो पहले 9 साल वाला सुनाओ कि 15 वाला बताओ। नहीं बताना नहीं है, बता रहा हूँ अपने कमीशन को घोटाला किया ना, उसकी लिस्ट बता दीजिए जनता को, रमन सिंह देखिए, देखिए लोकेश जी, इनका पूरा परिवार रमन सिंह नाम घोटाला, इनके जिनको जिन्होंने ये काम किया आज वो तो दिखते नहीं है कहीं, उनके नाम लेने से भी बचते हैं नेता।
तो ये स्थिति है, वो सीएम का चेहरा होंगे या नहीं होंगे ये भी नहीं कहा जाता केंद्रीय नेताओं से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। समय इतना ही है, माफी के साथ सभी को रोक रहा हूं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।